सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज लेकर के आए हैं बहुत ही प्यारा कंपैरिजन टेस्ट आपके लिए, डोमिनार वर्सेस अपाचे 310। तो ये 400 सीसी का है और ये आपकी 310 है और दोनों ही बाइक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तो बाकी इन दोनों का ड्रैग रेस करने जा रहे हैं और कंपैरिजन टेस्ट दिखाने जा रहे हैं आपको। और बाकी फीचर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, दोनों ही E20 के मॉडल हैं। और आपको साउंड सुना देते हैं पहले दोनों बाइकों के, फिर उसके बाद ड्रैग स्टार्ट करते हैं। तो पहले डोमिनार की बारी है, बहुत ही प्यारा साउंड है भाई डोमिनार का। और बाकी लुक तो बहुत ही अच्छा ही है, आप जानते ही हो डोमिनार का। और बाकी 310 का भी साउंड आपको हम सुनाते हैं। न्यूट्रल नहीं है क्या? न्यूट्रल कर दें इसको पहले, न्यूट्रल हो गई भाई साहब। बाकी मीटर भी देख सकते हो, इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है और इसमें आपको खाली डिजिटल मीटर मिलता है। तो रेड में भी काफी डिफरेंट है दोनों में। तो बाकी रेड की बात करते हो तो रेड आपका ये 232 की 2,32,000 में मिल जाएगी आपको, और थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, एक शोरूम प्राइस है ये 2,32,000 और बाकी वो 3,32,000 रुपए की आती है। तो रेड में भी काफी फर्क है और सीसी थोड़ी इसकी ज्यादा है, डोमिनार 400 है और 310 सीसी की है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपको डायरेक्ट ड्रैग पे। तो बाकी आ गए हैं गाइस अपनी बाइक पे और स्टार्ट करते हैं ड्रैग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक को, 3 तक के वहां 3 बार हॉर्न देंगे, 1 2 3। अबे यार 310 तो बहुत आगे निकल गई। गाइस फर्स्ट राउंड तो 310 ने निकाल दिया, अब कितनी निकाल ली, कितनी भगाई? 148। तो मेरी तो यार 154 जा रही थी, 154 नहीं है मेरी, तो तुम्हारी है 148। तो हमें लग रहा थोड़ा मीटर का, हाँ तो मीटर का थोड़ा बहुत होगा खेल। और मोड़ो गाड़ी, मोड़ते हैं और राइडर स्विच करेंगे, ग्लिच है थोड़ा बहुत मीटर में। तो गाइस जैसे कि आपने देखा फर्स्ट राउंड हमारी अपाची RR 310 ने निकाल दिया और अब राइडर स्विच करते हैं। अब हम चलाएंगे अपाची RR 310 और भाई चलाएंगे डोमिनार, तो देखते हैं क्या होता है। अब तो स्टार्ट करते हैं, चलो। अब हॉर्न तुम दो, बाकी यार RR का पावर थोड़ा डोमिनार से ज्यादा है। अभी लिंटर नहीं आया था, उसमें भी नहीं आया था और इसमें भी नहीं आया था। और बाकी यार पावर तो बहुत अच्छा है डोमिनार का। अब रही बात रोड की, थोड़ा लॉन्ग रेस नहीं हो पा रही है, ड्रैग नहीं हो पा रही इसलिए क्योंकि रोड अभी थोड़ा वर्किंग में है और अभी पूरी तरह से हाईवे तैयार भी नहीं हुआ है। तो बस इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।